थाना रिफाइनरी क्षेत्र स्थित कदम विहार कॉलोनी की रहने वाली मंजू भारद्वाज अपने घर का गेट साफ कर रही थी कि तभी सुबह लगभग 9:30 बजे बाइक सवार दो युवकों में से एक उनसे पेंटर का पता पूछने लगा। मंजू भारद्वाज उस युवक को जवाब देती उससे पहले ही युवक ने उनके गले में पहनी 1.5 तोला वजनी सोने की जंजीर तोड़ ली और बाइक पर सवार होकर भाग निकला। यह सब इतना जल्दी हुआ कि मंजू भारद्वाज को चिल्लाने तक का मौका नहीं मिला, लेकिन इस बीच छीना झपटी के दौरान बदमाश के हाथ में लगे चाकू से उन्हें मामूली खरोच आई। दिन दहाड़े हुई इस घटना से कदम विहार कॉलोनी में सनसनी फैल गई। घटना की जानकारी मिलते ही क्षेत्राधिकारी और थाना प्रभारी रिफाइनरी मौके पर जा पहुंचे और उन्होंने पीड़िता से घटना के बारे में जानकारी ली। इस घटना के बाद सीओ रिफाइनरी के निर्देश पर पुलिस ने आसपास की सीसीटीवी फुटेजों को भी खंगाला, लेकिन सफलता नहीं मिली। अनुमान लगाया जा रहा है कि इस वारदात को अंजाम देने वाले बदमाश आसपास के ही हो सकते हैं। एक घंटा ही हुआ मेरे से, आधा पौन घंटा तुम लोगों का हुआ। जी जी, 9:30 बजे रहे होंगे, काम ही कर रहे थे घर के आगे सफाई पे। जी, तो ये मोटरसाइकिल पे थे? हाँ। क्या कुछ यहाँ खड़ा था, एक मेरे से पूछ रहा था बस। अच्छा, क्या आपसे क्या कुछ पूछा उसने? मेरे से यही पूछा था कि आंटी या पोताई पोताई वाले कोई ऐसे में बैठे, यहाँ तो कोई काम बांग चल रहा है किसी घर जाके पूछ ली। जी, कि आंटी आपके हम बात कर लो। नहीं, मेरी बात नहीं करनी, जैसे मैं अंदर आई उसे पूछ ली। हाँ, तो मैं तैयार थे उनके, अब मैंने इतना ध्यान नहीं दिया ऐसा। ये थाना क्षेत्र रिफाइनरी जनपद मथुरा का प्रकरण है। जी, आज सुबह करीब 9:30 बजे के करीब एक मंजू भारद्वाज जो कि थाना क्षेत्र रिफाइनरी कदम विहार के रहने वाले, ये अपने घर के बाहर साफ सफाई कर रहे थे, तब तक एक लड़का आया और लड़के ने इनसे पूछा कि आसपास के किसी घर में पेंटिंग का काम चल रहा है क्या। तो फिर इसी दौरान उन्होंने बातों में उलझा करके उनकी चैन छीन ली और फिर किसी एक और लड़के के साथ जो कितनी दूरी पर मोटरसाइकिल पर खड़ा था उसके साथ बैठ के भाग गया। जी, तो कुछ पता चला था कि सीसीटीवी फुटेज वगैरह कुछ खंगाल? अब हम लोग आसपास जो भी सीसीटीवी कैमरे लगे हैं उसको खंगाल रहे हैं और जल्दी से जल्दी घटना का अनावरण किया जाएगा।